नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 19 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बैया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं। वे एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इतना ही नहीं, उनके कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताएं जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध है। बीएसएसएस ने अकाउंट्स ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति पटना ने अकाउंट्स ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद के लिए 54 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास पीजी इन कॉमर्स के साथ साथ टेली सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अप्रैल तक statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बसों को रोज सैनिटाइज करने का दिया गया आदेश। जब से कोरोना के फैलने के लक्षण की खबर आई है तब से आम नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। रोज बस ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के हित में सोचते हुए बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी निजी और सरकारी बसों को सैनिटाइज करने का आदेश जारी किया है, जो कि सभी बसों के लिए बीते बुधवार से लागू कर दिया गया है। बिहार के लगभग 13 स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा 50 रुपए में। पूर्व मध्य रेल ने कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए एक जरूरी कदम उठाया है, जिसके तहत CPRO द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार पटना, बक्सर, दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, पटना साहिब, बख्तियारपुर, बाढ़, आरा, मोकामा, जहानाबाद, बिहार शरीफ एवं राजगीर स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में दिया जाएगा। मधेपुरा के उदकिशन सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस मंदिर की प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि लगभग 250 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ धूमधाम से पूजा का आयोजन किया जाता है। आज भी विशाल मेला का आयोजन किया जाता है और पूरा मधेपुरा माता की भक्ति में लीन रहता है। 1768 ईस्वी प्रथम बार प्रसादी मिश्र पुजारी ने कलश स्थापना किया था। आज भी उन्हीं के वंशज पुजारी हैं। CBSE की तर्ज पर बिहार बोर्ड ने भी बिना परीक्षा छात्रों को आगे भेजने का जारी किया आदेश। कोरोना के बचाव के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में सभी कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। इतना ही नहीं, CBSE ने तो कक्षा 8वीं तक के छात्रों के परीक्षा को स्थगित करते हुए उन्हें अगली क्लास में प्रमोट करने का भी आदेश जारी किया था। इसी क्रम में अब बिहार बोर्ड ने भी छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बगैर परीक्षा ही छात्रों को पास करने का निर्देश जारी किया है। घरों में होने वाले पानी सप्लाई को बिहार सरकार ने कर दिया आधा। हर घर नल का जल योजना को सफल बनाने में जुटी बिहार सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने अब 8 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 4 घंटों के लिए ही पानी की सप्लाई करने का आदेश जारी किया है, जिसके लिए सरकार ने PHD विभाग को जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। खबरों की माने तो सरकार ने यह फैसला गर्मी के मौसम में पानी के स्तर के नीचे आने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोरोना की वजह से 3000 यात्री हर दिन कर रहे हैं अपने टिकट को कैंसिल। कोरोना के बढ़ते असर की वजह से विमानों से सफर करने वाले यात्रियों में भारी गिरावट देखने को मिली है। खबरों की माने तो विमान से सफर करने वाले यात्रियों में हर दिन 3000 से अधिक यात्री के टिकट कैंसिल करने की खबर सामने आई है, जिसको देखते हुए कई विमानन कंपनियों ने यात्रियों को अब टिकट कैंसिल करने के बजाय डेट एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी दिया है। पटना मेट्रो के अंतिम रूट को सरकार ने दी अपनी मंजूरी। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अब अपनी रफ्तार में है। वहीं राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से मेट्रो के रूट को फाइनल कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सरकार ने कॉरिडोर की लंबाई बढ़ाने के फैसले पर सहमति जता दी है। साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन की संख्या को बढ़ाने पर भी सहमति बना ली है, जिससे अब कुल मिलाकर 26 स्टेशन हो जाएंगे। होटल पाटलिपुत्र अशोक में बनकर तैयार हुआ आइसोलेशन सेंटर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बचाव की तैयारियों में जुटी बिहार सरकार के आदेशानुसार होटल पाटलिपुत्र एसोसिएशन में आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब बीते बुधवार से आशंकित लोगों को वहां रखने का इंतजाम किया जा रहा है। सिमरिया गंगा नदी से ढोया जा रहा है बालू। राजेंद्र सेतु के जर्जर होने के बाद अब पानी के रास्ते बालू से लदे ट्रक को पार किया जा रहा है, जिसके बाद अब बालू की कमी की समस्या ज्यादा दिन नहीं देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, पानी के रास्ते बालू को उस पार भेजने की पहल से अब बालू की आसमान छूती कीमत में भी गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है।
कोरोना के कारण पटना के सभी मॉल को किया गया बंद। कोरोना से बचाव में जुटी सरकार ने सभी जिलों के डीएम के साथ संपर्क में आने के बाद बिहार के सभी मॉल को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने पहले ही 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। अब शॉपिंग मॉल्स को भी अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए रिम्स के सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां हुई कैंसिल। कोरोना ने पूरी दुनिया में अब अपनी पैठ बना ली है। वहीं भारत में भी कोरोना के 100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच अब कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए रिम्स के सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टी को स्थगित कर दिया गया है, जिसका ऐलान रिम्स ने खुद ही अपने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिया है। मैट्रिक के कॉपी मूल्यांकन की समय सीमा बढ़ी। नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के कारण इंटर और मैट्रिक परीक्षा के कॉपी के मूल्यांकन में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली। जहां इंटर के कॉपियों को तो किसी तरह मूल्यांकन कर लिया गया, मगर मैट्रिक की कॉपियों के मूल्यांकन में समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब कॉपी जांच की तारीख को बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया है। 23 से 30 मार्च तक बिहार की 81 एक्सप्रेस को किया गया कैंसिल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्यूल स्टेशन पर चल रहे इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 81 एक्सप्रेसवे ट्रेन वहीं 32 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। खबरों की माने तो दानापुर रेल मंडल के पटना झाझा लाइन पर जब तक इंटरलॉकिंग का काम पूरा नहीं किया जाता, तब तक सभी ट्रेनों को अलग अलग दिनों पर कैंसिल किया जाएगा। महागठबंधन और मांझी के बीच के मनमुटाव को सामने आने के बाद नंद किशोर यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। महागठबंधन और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के बीच के मनमुटाव अब सबके सामने आ गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि बिहार का यह महागठबंधन दल केवल स्वार्थ का गठबंधन है। स्वार्थ की पूर्ति होना बंद होगा, वैसे ही महागठबंधन बिखर जाएगा। तेजस्वी ने कोरोना की वजह से 25 मार्च तक रोकी अपनी यात्रा। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा को 25 मार्च तक रोक दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने 31 मार्च तक अपने सभी कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया है, जिसकी जानकारी तेजस्वी ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। सचिन तेंदुलकर जुड़े WHO के सेफ हैंड चैलेंज से। देश भर में कोरोना के फैलते असर को देखते हुए भारतीय टीम के पूर्व मशहूर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने भी कोरोना से लड़ने के लिए WHO संगठन के सेफ हैंड चैलेंज से हाथ मिलाया है, जहां सचिन तेंदुलकर आम नागरिकों को हाथों को साफ रखने का महत्व बता रहे हैं। जिसके तहत सचिन ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने हाथों की सफाई के सही तरीके के साथ साथ लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने के साथ साथ हाथों को साफ रखने की सलाह दी है। कोरोना की वजह से बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने खुद को डाला आइसोलेशन वार्ड में। जहां एक तरफ कोरोना ने धीरे धीरे करके भारत में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहीं अब बॉलीवुड के सेलेब्स ने भी कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अपने घर में ही आइसोलेट करने का फैसला किया है। जिसके तहत अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर और ऋषि कपूर ने भी यह कदम उठाया है, जिसकी जानकारी इन सभी सेलेब्स ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। बिहार के बेरोजगारों के लिए तेजस्वी यादव ने जारी किया नंबर। भले ही तेजस्वी यादव ने अपने बेरोजगारी हटाओ यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया हो, मगर अब उन्होंने बेरोजगार युवाओं से संपर्क बनाने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के अब सभी युवा इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर राजद की बेरोजगारी हटाओ यात्रा से जुड़ सकते हैं। अब चले बढ़ते हैं मौसम के खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप रहेगी। वहीं हवा के चलने की वजह से मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। इसके साथ ही अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने की संभावनाएं हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने अमरेंद्र धारी सिंह को लेकर पूछा सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार के महागठबंधन दल में गर्माहट साफ साफ देखने को मिल रही है। खासकर कि राजद द्वारा राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपने ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद स्थिति और ज्यादा हाथ से बाहर निकल गई है। इसी क्रम में हम नेता जीतन राम मांझी ने भी राजद से सवाल पूछते हुए अब अमरेंद्र धारी को राज्यसभा भेजने के फैसले पर सवाल किया है। मांझी के हर तंज का तेजस्वी यादव ने खुलकर दिया जवाब। जहां एक तरफ बीते बुधवार को जीतन राम मांझी ने खुलकर राजद पर टिप्पणी की, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मांझी के हर तंज पर खुलकर जवाब दिया है। जिसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा कि मांझी जी के बेटे को हमने लोकसभा भेजा और वो है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बांग को लेकर बैठे हैं। बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी।
तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य संबंधी कई मामलों में फेल साबित हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सच्चाई अब सामने आ गई है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवसरवादी राजनीति में लगे हुए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है राजेंद्र प्रसाद सिंह, विकी कुमार, चंद्रदीप यादव, अभिनव राणा, सोनू टेक्निकल, राकेश कुमार, बलराम कुमार, अजय कुमार, सरोज बैठा, अनुपम कुमार, प्रमोद कुमार, रुपेश रंजन, बंटी कुमार, सिंटू यादव, मुन्ना कुमार, रवि कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद क्या महागठबंधन दल में फूट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।